नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद का डीएवी कॉलेज एक बार फिर जंग का खड़ा बन गया। छात्रों में जमकर बेल्टी चली। एक छात्र के सर में बेल्ट लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के आर्य समाज रोड स्थित डीएवी कॉलेज में आए दिन छात्रों में जमकर मारपीट की खबरें सामने आती रहती है। आज भी छात्रों में किसी बात को लेकर जमकर लात घुसी और बेल्टी चली, जिसमें एक छात्र के सर में बैठ लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र का नाम विवेक पुत्र जगपाल है, जो की कक्षा 11 का छात्र है। घायल छात्र के दोस्त नीतीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजाना की तरह वह लंच होने के बाद कॉलेज के पार्क में बैठे हुए थे, तभी कक्षा 11 की दूसरे सेक्शन के कुछ छात्र आए और उनके साथ किसी बात को लेकर बहस करने लगे और छुट्टी होने पर बाहर देख लेने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। कॉलेज की जैसे ही छुट्टी हुई तो वह लोग कॉलेज के बाहर ही खड़े मिले और मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसमें एक छात्र के सर में बैठ लगने से वह लहूलुहान हो गया और अन्य साथियों ने कर अपनी जान बचाई। घायल छात्र को जिला चिकित्सालय ले जाकर उपचार कराया गया। इस संबंध में घायल छात्र के पिता जगपाल ने बताया कि कॉलेज से उन्हें सूचना मिली कि उनके पुत्र को चोट लगी है और बिना कार्रवाई और बिना इलाज के ही उनके पुत्र को कॉलेज से भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि आए दिन कॉलेज में छात्रों के बीच मारपीट होती रहती है और कॉलेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। घायल छात्र के पिता जगपाल ने उनके पुत्र के साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। भाई मामला हुआ था, हम लंच में बैठे थे अपना आराम से, चार पाँच दोस्त एक जगह, तो जी भाई एक जगह हम बैठे थे दोस्तों में, तो इधर से दूसरी सेक्शन के आके 11th के लड़कों ने आके हमारे में से एक का मारने लगे हुए, छप्पड़ ढक के जैसे खेलते हैं बच्चा अपने में। भाई हम उसे कहने लगे, देख अगर तूने इसका मारा फिर हम तेरा ऐसे ही मजाक में मारेंगे, तो तू सीरियस ना ये। तो भाई वो जिसका मारा था लड़का, उसके चोट भी नहीं लगी, बल्कि वो दूसरे ये तो वो गया उनके पास वो मारने, तो फिर वे सीरियस हो गए अपने बारे में, तो फिर उनका मारने दिए उन्होंने। अब जा पता नहीं यहाँ छुट्टी में क्या हुआ, निकल गई और हमारे में से पकड़ लिया एक दो को, पहले मुझे पकड़ लिया। ऐसे तो कोई 15-20 जने होंगे भाई, कुछ 11th के नहीं, कुछ 11th के थे, कुछ 12th के, 5-7 लड़के बाहर के थे विदाउट ड्रेस में, मतलब सब तरीके के थे, 15-20 लड़के थे। ऐसे मारपीट करी भाई, बेल्ट ले रहे थे, कड़े वड़े चैन ले रहे थे, साइकिल की कड़ा ले रहे थे, बेल्ट ले रहे थे। तो भाई घायल हमारा एक दोस्त हुआ विवेक, वो भाई वो तो बहुत इतना सा हाइट में भी बहुत कम लड़का यार, वो तो बेचारा भाई, हम तो भाग के बच गए थे, हम तो थोड़े बड़े हैं, हमें तो पता क्या हो, लड़ाई में हमने देखा एक दो बार, तो हम तो भाग गए वहाँ से। भाई वो बेहोश होने को हो रहा, अब उसे अस्पताल में छोड़ गए हम। भाई बता तो रहे हम बस मजाक मजाक में, मुझे कहने लगे भाई अब मजाक, नाम हमें आज नहीं पता, हम सकल से पहचानने, उन्हें कल नाम बता देंगे हम उनके। देखा 11th F के हैं वे, उनका रूम भी पता हमें, कुछ ऊपर के है, कुछ जो मतलब मेन है वे 11th F के ही है। भाई हमारी साथ देखो पहली बार हुई, बाकी गेट वेट पहुंचती रहे एक दो बार, उसका उस समय मतलब विवेक है जी। हाँ जी, क्या हुआ इसके साथ? ये कॉलेज गया हुआ था, हमारे पे फोन आया कॉलेज से कि इसको चोट लग गई और किसी भी टीचर ने इसे ऐसे ही भेज दिया, चोट लगे लगे बच्चों के साथ ही, ना उन्होंने कोई वगैरह ना किसी के साथ कोई एक्शन लिया, इसे अकेले ही छोड़ दिया। किन लोगों ने मारपीट करी, कौन से? इसकी क्लास के ही बच्चे हैं, छात्र। हाँ जी, साथ के, क्या मामला था, क्यों मारपीट करी? भैया तो अभी हमें भी नहीं पता चला जी, क्योंकि लड़के को चोट लग रही है, वो बोलने रहा अभी। टीचरों ने तो ये कहा कि भाई हमने पट्टी के लिए भेज दिया, उन्हें यही नहीं पता कौन से डॉक्टर का गया कौन से का नहीं गया। अब कैसी हालत है? हालत तो ठीक ही है जी, अभी तो पुलिस को सूचना करी अभी नहीं करी। आए दिन लगातार डीवी कॉलेज में मारपीट की वीडियो भी। हाँ वो क्या नाम, कोई भी एक्शन नहीं लेते जी, वो तो अभी वो टीचर भी मुझे एंड से बात कर रहा था मेरे साथ, मैं कह तो ऐसा ही चलता रहे। क्या नाम है टीचर का? भाई ये नहीं जानता भाई मैं, लेकिन सकल से बता दूंगा मैं। चाहते हैं भाई कार्रवाई हो, अभी सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ से, ऐसे तो सबके साथ हो जाएगा, अगर मर्डर हो जाता थोड़ी देर के बाद में कह देते, हमें तो पता ही नहीं। सर को चोट कॉलेज कह रहे, कॉलेज के बाहर लगी, खून अंदर पड़ा। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।